चलो मम्मी स्टार्ट करना, बोलो हेलो गाइस, कैसे बोलते हैं? हेलो गाइस, कैसे हो आप? क्या वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक माय चैनल, वेलकम बैक माय नहीं टू माय डॉटर चैनल। अच्छा, माय डॉटर चैनल। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्लॉग विद प्रिया रावत। कैसे हैं आप सब? और आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये नया साल आपकी लाइफ में बहुत सारी नई खुशियां लेके आएगा। और ऋतु, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हैप्पी न्यू ईयर, हमारे लिए भी, सबके लिए। हाँ, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। तरस गए हैं कान। ये अच्छा तो बहुत कुछ था 2021 में भी, ऐसी कोई बात नहीं है। रोलर कोस्टर की तरह तार चढ़ा, बट उसी से काफी कुछ सीखने को भी मिला 2021 में। तेरा कैसा रहा 2021? बस ठीक, और कुछ नहीं। बिल्कुल मेरा तो काफी मतलब भयानक नहीं, भयानक नहीं कह सकती, मतलब कि काफी कुछ लेसन दिया है 2021 ने, और 2022 में वो चीजें जो अच्छी चीजें हैं वो दोहराएंगे, और जो बुरी चीजें उस चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे। सो देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। कुछ खास तो नहीं है प्लान न्यू ईयर का, लोग तो पार्टी करने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम धूप सेक रहे हैं। ये ऐसे कुछ इस तरह जा रहा है हमारा नया साल। ये कपड़े उठाए जा रहे हैं छत में से, बस ये वहाँ लोगों की छत, हम दूसरों को देख रहे हैं। ये यहाँ बैठी है, ये पंचू मास्टर। और इनकी डिमांड है ताई आज मंचूरियन बनाए जाए। मंचूरियन कैंसिल करें या बनाए? बोलो तू, कैंसिल बनाई लो यार, कैंसिल कैंसिल। यश यश, वो तो बिजी है। यश रावत, मंचूरियन की दावत खाओगे या नहीं खाओगे? मंचूरियन बनाने की नहीं बनाने? बोलो बोलो, हाँ या ना? हाँ, हेडफोन ले लूंगी मैं, ये दे दे मुझे हेडफोन, दे दे, ले लूँ मैं ये? क्यों? फिर तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हाँ तो बोल रहा हूँ। क्या खाना है? मंचूरियन। मंचूरियन तो मम्मी बनाएंगे मंचूरियन, तो और कैसे बनते हैं आपके मंचूरियन शाम को? वैसे मैं बता दूं दोस्तों, मम्मी काफी अच्छी कुकिंग करते हैं, टैलेंटेड है मॉम। और बस ये कि सामग्री चाहिए होती है, इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और मम्मी काफी अच्छा बनाते हैं। सो देखते हैं फिर आज कैसा बनता है, क्या बनता है ना ऋतु? तो दीदी, आपका 2021 कैसा रहा, और आप अपने दोस्तों को कोई मैसेज देना चाहोगे? आपका कैसा रहा पहले बताओ। मेरा तो ठीक ही, इतना भी गंदा नहीं, इतना भी अच्छा नहीं। अच्छा, तुम्हारे साल तो मुझे लगता है अभी जब तक हमारी लाइफ चाइल्डहुड वाली लाइफ होती है ना, तब तक तो बस साल बस ऐसे बीतता रहता ना, ऐसा सिर्फ इतना होता है छोटे में कि हम एक क्लास आगे हो गए, एक क्लास आगे हो गया ना, यही रहता है, बाकी सेम ही रहती है लाइफ मोस्टली। सो दोस्तों, मेरा 2021 रहा है वो बहुत अमेजिंग ईयर रहा, जिसने मुझे अच्छी बुरी दोनों चीजें अच्छे से सिखाई। और ये वैसे भी ऐसा नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ मेरी जिंदगी में हुआ बुरा बुरा बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अच्छी और बुरी चीजें सबकी जिंदगी में लगी रहती है, और इसी का नाम जिंदगी है। तो अच्छी चीजों ने मुझे सिखाया कि जो बुरा वक्त है वो ज्यादा देर नहीं रहता, टाइम लगता है हमें, जब हम बुरा टाइम हमारे पर आता है तो हमें लगता है यार हम कहाँ फंस गए हैं, यार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, और कब जाएगा ये, क्या करे बस, अब तो जिंदगी क्या करे, खत्म कर दे कि क्या कर दे, मतलब कि कोई स्टॉप बटन होता, ऐसा ऐसा दिमाग में आता है। बट जब वो जैसे जैसे वो डे निकलते रहते हैं, वो टाइम निकलता है, और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है ना, फिर हिम्मत आती है, और ऐसा लगता है माइंड को कि यार ठीक है जो बुरा वक्त था वो निकल गया, बट जो ये अच्छा है उसकी फीलिंग ही फिर कुछ अलग होती है। और मैंने 2021 में ये भी सीखा है खुद की गलतियों की वजह से कि अब इंसान तो वही गलतियों को पुतला है, डोंट जज मी कि भाई ऐसी क्या मिस्टेक थी या कुछ भी है। मैं आप लोगों को भी ये मैसेज देना चाहूंगी अपनी तरफ से कि गलतियां जिंदगी में होती रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी गलतियां हो जाती हैं, बट गलती अगर गलती से हुई है और आपका इंटेंशन वो नहीं था करने का जो गलत हुआ है, तो इतना स्ट्रेस मत लेना, इतना डिप्रेस्ड मत होना। आई नो उस टाइम पे वो ऐसा लगता है कि यार हम बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, और ये क्या हो गया है, अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में आती हैं, हमें बहुत कुछ बड़ा सिखा के जाती हैं, और मैंने उन चीज़ों से बहुत बड़ा सीखा है। और बाकी एक छोटा सा मैसेज एक और मैं आपको देना चाहूँगी दोस्तों, कि हम एक ऐसी जनरेशन है आज की टाइम की जो जो सोशल मीडिया पे एक तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हम लोग, और दूसरा ये कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को खुश दिखाते हैं,
ऐसे दिखा रहे हैं कि मतलब सब कंपटीशन, ऐसा लाइक कंपटीशन चल रहा है कि अगर दूसरा वीडियोस बना रहा है या हैप्पीनेस है तो हम भी कुछ ऐसा करें ना। तो बट कुछ लोग होते हैं जो बैड कमेंट्स करते हैं एक दूसरे को या बुरा बोलते हैं ना, जज करते हैं, सो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता बंदा किस टेंशन में है या कौन सी डिप्रेशन में है, कुछ भी मतलब क्या फील कर रहा है, लेकिन वो अपना मन बहलाने के लिए वीडियोस बना रहा है या फिर कुछ भी, या नॉट ओनली वीडियोस या कुछ भी अच्छा कर रहा है जो उसे अच्छा लगता है अपने मन को बहलाने के लिए, और लेकिन हम फालतू में किसी को कमेंट करते हैं, जज करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि हम नहीं जानते इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और ऊपर से हम भी उसको गलत गलत बोल रहे हैं, तो ये चीज सही नहीं है। अगर आपके आसपास ऑफिस हो गया या कोई भी आपको लग रहा है कि थोड़ा सा दो बोल मीठे बोल लो ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होता है, और अगर आपसे कोई अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है तो उसे इग्नोर ना कीजिए, सुनो और उसको समझो, क्योंकि आज अगर हमारे पास अच्छा टाइम है तो ऐसा नहीं है कि हमारे, अगर हमारा अच्छा चल रहा है तो हमारे साथ कभी बुरा हो नहीं सकता या हमारे लिए कभी बुरा होगा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ में बुरा अच्छा दोनों ही चीजें चलती रहती हैं साथ साथ। तो ये काफी लंबा मैसेज हो गया, आई थिंक मेरे 4 मिनट तक मैं बोल ही जा रही हूँ, क्योंकि मेरा यही है जब बोलती हूँ तो बहुत ज्यादा बोलना चाहती हूँ, और अभी धूप वगैरह सब चले गई है और छांव हो गई है बढ़िया तरीके से, ठंड भी लग रही है अब, है ना रितु? तो अभी चलते हैं नीचे, मम्मी मंचूरियन बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, सो दोस्तों आपको दिखाते हैं, और आशा करती हूँ कि आप भी अपना न्यू ईयर पार्टी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे से टोपे पहन के नहीं बैठे होंगे है ना, हमारी पार्टी पार्टी ऑल नाइट पार्टी पार्टी ऑन टोपा। तो चलो दोस्तों चलते हैं नीचे और देखते हैं मम्मी ने क्या किया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा रहता है सब। यहाँ पे यश जो है वो रेडियो में गाने सुन रहा है और उसको पता नहीं है कि उसकी आवाज बाहर कैसे आ रही है, और मैं इसे रिकॉर्ड करती हूँ। मस्त हो रहा था, तक गा रहा था बस तन का प्यार, कौन सा गाना है दिया गल्ला करांगे नाल नाल पैके, वो अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। ये देखिए हमारा नया साल, सिर्फ तारीख बदली है, दिन वैसे के वैसे ही है, शाम की चाय बन रही है, नो पार्टी शर्टी, क्या हो रहा है? मम्मी सीक्रेट चीजें निकाल रही हैं यहाँ से सामान, मम्मी हैप्पी न्यू ईयर बोल तो दो दोस्तों को, हैप्पी न्यू ईयर आए और कोई मैसेज देना चाहोगे संदेश? आज मंचूरियन बना रही हूँ। नहीं नहीं, संदेश नए साल पर कुछ, नए संदेश साल में सब खुश रहो, अच्छा रहो, सबको अच्छा मिले, खुशी मिले, सबके अच्छे दिन आए 2022 में। सो के उठे पहले पहली बात तो पापा और पापा का हेयर स्टाइल देख लो जरा, बोलो आप बोलो। सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा सब लोगों को, और नया साल आपके लिए खुश रहे, मंगलमय रहे 2022 आपके लिए भी, हमारे लिए भी, सबके लिए। तो हम दादी से भी पूछ लेते हैं, अम्मा आज नया साल है, नया साल है, नया साल मैंने सुबह बताया था ना आपको, नया साल है आज, तो बोल दो मुबारक हो, बोलो सबको नया साल मुबारक हो, एक मिनट एक मिनट, बोलो मुबारक हो, गुबारक गुबारक रितु गुबारक मुबारक मुबारक बस दोस्तों ये लोग दादी की तरफ से नया साल की बधाई, क्या वाह वाह वाह, अरे अम्मा मुंह को तो खोलो, बोलो नया साल मुबारक हो, चलो ये बोल दो नया साल की बधाई हो, नई साल की बधाई हो, और बोलो जीते रहो खुश रहो, जीते रहो जीते रहो जीते रहो खुश रहो खुश रहो, बोलो मेरे जैसे तगड़ी रहो, मेरे जैसी तगड़ी बनो, मेरे जैसे
टखरी बनो। चलो बुबू भी आगे, बुबू से पूछती अब। बुबू नए साल की बधाई। नए साल की बधाई हो, जीते रहो, उम्र काफी बड़ी हो या बुढ़िया की और दुगनी दुगनी। ओ माय गॉड। और या राम सुमेरे मेरे से बस नहीं अम्मा, नहीं आज नहीं झगड़ा करना अम्मा, आज नया साल है। मैं प्यारा कमरू वो देख रहा कब उतर गया। हाँ माय गॉड, अम्मा और बुबू की ना वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। आपको बस देखा बुबू एकदम से जवाब दे। अरे आज नया साल, आज लड़ाई नहीं करनी प्लीज। नाचली बराबर आकर गए थे वन टू थ्री टन 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 अम्मा जीत गई वॉर। और ये है मेरी टू ब्यूटीफुल सिस्टर्स, और इनसे इनमें से पहचानो कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जिसने सही जवाब दिया उसका नाम लिया जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तनु ऊपर देख लो, दिया ओ हेलो, हेलो तो बोल दो एटलीस्ट। हेलो, खस्सी करा रहे हैं, बेइज्जती करा रही है अच्छी खासी। तो यहाँ पे ये बहुत शर्माते हैं, सभी शर्माते हैं। ये थोड़ी ठीक है, ये थोड़ा नहीं शर्माती, ढीट हो गई है, बाकी ये सब शर्माते हैं। और ये वाली तो बहुत मिन्नतों के बाद हमारे घर आई है, वरना ये हमारे घर नहीं आती, वो भी दो गली छोड़ के रहती है। तो फिलहाल हम देख रहे हैं एल्बम्स एंड अपनी पुरानी मेमोरीज को करें रिफ्रेश। हियर इज माय बुल्ला, आई मिस यू, आई लव यू। हियर इज बुल्ली मसी। और हील पहनी लगनी, ठीक है, साड़ी फर्स्ट टाइम पहनी थी, जब हील पहनी ना वापस साड़ी यहाँ पे चढ़ गई थी ऊपर, फर्स्ट टाइम आ रही था तो बहुत की हीरोइन लग रही हूँ, चलो पूरी एरिया दिख रही है। कौन सी साड़ी पहनी? ये येलो वाली साड़ी, हीरोइन बन रही थी अपने आपको, फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी, मैं ट्वेल्थ में थी तब, लेकिन ऐसा लग रहा था। और हील्स, गांव में हील्स क्यों पहनी होगी अपने आपको। और पूरी तैयारी हो चुकी है और मैंने टेस्ट करके देखा था तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहे हैं। तो हाँ जी बोलिए, बताओ ये तो कजन है, कह रहे मैं हूँ अम्मा का बचपन। अम्मा कह रहे मैं हूँ। नौ साल में तो आप शादी करके आ गए थे। धूमता ना 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 धूमता ना 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 हो जय हो। सो यहाँ बनने जा रहे हैं मंचूरियन, वेरी टेस्टी। वैसे जल्दी नहीं बनते, पापा तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, पर सच में मैंने टेस्ट किया, एक छोटा सा बहुत टेस्टी हो रहा है मिक्सचर। नहीं सोना है ना ऋतु हो रहा है ना टेस्टी, सच में बहुत ही स्वादिष्ट हो रहा है। और अभी इसकी ग्रेवी भी बनेगी तो ग्रेवी से और भी टेस्ट बढ़ेगा। तो आज यही हो रही है पार्टी। और क्या क्या डाला है इसमें मम्मी ने? बीन्स भी, गाजर भी, गोभी भी, प्याज भी, चॉप करके सब। अच्छा तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, काफी बारीक बारीक काटा है। क्या डालते हैं? मैदा और आरा रोड। अच्छा सो सच बताऊं तो सच में मतलब मामी इज अ जीनियस कुक, और इनफैक्ट पापा भी, दोनों ही बहुत अच्छा बनाते हैं। ऐसी फालतू की तारीफ नहीं कर रही मैं, नहीं मुझे तो दोनों का ही अच्छा लगता है, है ना? दोनों ही ना अपने अपने हाथ का स्वाद होता है, तो दोनों का अपना अपना स्वाद है। और सही है, मुझे तो नहीं आता वैसे इतना ज्यादा कुछ, फिर भी ट्राई करती हूँ। हाँ जैसे माँ के हाथ का खाना तो माँ के हाथ का ही होता है भाई, है ना? माँ के हाथ का स्वाद पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता, चाहे आप कितने भी महंगे रेस्टोरेंट में चले जाओ। सूरज भी याद करेगा अभी ब्लॉग देख के, और हम सूरज को याद कर रहे हैं ऐसे नहीं, हंस के कर रहे हैं हम तो यार, रोकिंग कर रहे हैं हम। सूरज कह रहे थे तुम्हारे मजे हो रखे हैं मंचूरियन खा रहे हैं। हाँ सूरज कह रहे थे तो खास करके इन्हें की डिमांड थी मंचूरियन बनाने की, ताऊ ताई मंचूरियन बनाओ। ऋतु की वजह से सबने खा ली, सब खाएंगे मंचूरियन। तो दोस्तों मंचूरियन हो चुके हैं फ्राई, और यहाँ पे बनाने जा रही है मम्मी ग्रेवी। और क्या क्या डाला मम्मी इसमें? लहसुन और प्याज को चॉप कर दूंगा। ओके, और अब इसमें मैं ये डालूंगी थोड़ा सा फिर से वो अरारोट, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा टमाटो सॉस, उसका वो बनाते हैं।
खुशबू बहुत अच्छा है और लहसुन मुझे खाने में ना बहुत पसंद है, बड़ा टेस्टी आता है, अच्छा फ्लेवर आता है। सो ये बन रहा है एंड आई एम एक्साइटेड। जैसे मैं इतना खाने की सच में कोई शौकीन नहीं हूँ, पर जब कोई कंपनी मिल जाती है ना तब अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ मतलब मिलकर खाना। हाँ काफी है, मेरे अकॉर्डिंग तो काफी है। तो गाइस ये केक काटने की तैयारी शुरू हो गई है और बुबू और अम्मा को ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं मुझे लग रहा है। खुश है मुझे अम्मा खुश है कम धोखा दे दिया कैंडल ने। दिस इज वेरी टेस्टी अम्मा अम्मा को भी खिलाओ। आए हलो तुम सब भगवान का रक्षा करो। चम्मच स्टैंड हो गए ग्रीन वाला आपका लाइट जला दें किचन में। शाबाश चाची शाबाश। सो लेट्स पार्टी। मम्मी ने बनाए हैं मंचूरियन को हो रही होगी। मैं आ तो रही हूँ, यहीं से आ रही हूँ मैं। बढ़िया कैसा हो रहा है? बढ़िया। क्या है ये? बकरे का शिकार। क्या है ये? मीट। मीट है? हाँ। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मीट नहीं मंचूरियन है वो। दीक्षा कैसा हो रहा है? कैसे क्या कम हो गया मतलब? कम हो गया। नहीं नहीं चाचा कैसा बना है? तन्नू कैसा बना है? टेस्टी हो रहा है। टेस्टी हो रहा है। मैंने खा लिया यार, अभी तो खाया नहीं। खा लिया दो पीस। हाँ जी भाई तेरी डिमांड थी, कैसा बना है? मजेदार। किस चीज से बना है? मंचूरियन है। खाओ बस खाओ। मैंने खा लिया मम्मी, मैंने वैसे भी नहीं पसंद। कौन सी सब्जी? कैसा बना है? मम्मी ने बनाया तो ऑब्वियसली मम्मी ने बनाया, मम्मी को बनाया था सबसे टेस्टी। यश कहाँ गया? यश रावत, यश रावत कैसी है हमारी दावत? यश कैसा बना है? अच्छा। सो दोस्तों कुछ इस तरह रहा हमारा नया साल और बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे फैमिली के साथ। और सच बताऊं तो मुझे फैमिली के साथ सबसे ज्यादा मजा आता है। दादी अम्मा खत्म हो रही है वीडियो अब। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखना। एक मिनट मेरी अम्मा रुको। और जैसे अभी तक आपने प्यार दिया है वैसे ही ऐसे ऐसा ऐसा प्यार, ऐसा प्यार धमाकेदार प्यार ऐसे ही आप भी देते रहना प्यार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को करना लाइक, बोलो लाइक कर दो, लाइक ऐसे अंगूठा, लाइक लाइक शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।